हेलो गाइस, हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि जब किसी की एंगेजमेंट होती है तो अंगूठी को उसके रिंग फिंगर मतलब अनामिका उंगली में पहनाया जाता है, और जब इसका कारण पूछा जाता है तो आंसर मिलता है कि ये फिंगर दिल से जुड़ी हुई होती है। तो इस वीडियो में हम इसके कारण को ही समझने वाले हैं, क्या वाकई इस फिंगर की नस हमारे दिल से कनेक्ट होती है या फिर यह एक मिथ है। तो चलिए हम इसके कारण को समझते हैं। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप ये हाथ देख रहे हैं, अब हम इस हाथ के नर्वस नसों को देखते हैं। इस फोटो में ये रही हमारी रिंग फिंगर, इसकी नर्व तो एक जगह आकर मिल जाती है। चलिए हम दूसरी फोटो को लेते हैं। हाँ, इसमें रिंग फिंगर के नर्व अलग हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि ये हार्ट तक जाती है कि नहीं। ये नर्व हमारी कलाई से ऊपर जाते हुए दिखाई दे रही है, और हमारे शोल्डर तक आने के बाद यह मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, और ये नर्व सर्विकल बोन से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हमारे दिल से जुड़ी हुई नहीं दिखाई दे रही है। ये तो रही दिखाई देने और ना देने वाली बात है, लेकिन हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में ब्लड होता है जो कि हमारे हार्ट से ही पंप किया जाता है। बगैर हार्ट के ये हमारी बॉडी के पूरे पार्ट में सर्कुलेट नहीं हो पाता है, और हर फिंगर में बराबर ब्लड पहुंचता है। अगर दोस्तों अब आपसे कोई कहे कि यह फिंगर हमारे हार्ट से कनेक्ट होती है, तो आप यह कह सकते हैं यह केवल ऐसी उंगली नहीं है जो हार्ट से कनेक्ट होती है। हमारी हाथ की पांचों उंगलियां हार्ट से कनेक्ट होती हैं, और हार्ट द्वारा ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो यह कहना तो सही नहीं है कि यह केवल हमारी रिंग फिंगर से ही कनेक्ट होता है, यह हमारी पांचों उंगलियों से कनेक्ट होता है। दोस्तों, अब तो आप यह जान ही चुके होंगे कि यह किस तरह से हमारे हार्ट से कनेक्टेड है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब